सत्रीकाल आदा प्रणाम, मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त स्वप्निल एंड वेलकम टू माय चैनल द चीप ट्रिप्स। गाइस आज का दिन बहुत ही बड़ा होने वाला है मेरे लिए, बिकॉज पहली बार कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ मैं। वो क्या करने जा रहा हूँ बने रहिए, आगे आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। लेकिन इट इज़ अ स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज जन्मदिन है यार खुद का। सो यार आई एम इन द मनाली एट द मोमेंट। कुछ प्लान्स बनाए हैं मैंने और दर्शन ने, मोस्ट प्रोबली बाइक रेंट पे ले जाके, सॉरी बाइक रेंट पे लेके हम लोग थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं हमारे पास। सो वही फिलहाल मैं रूम में अकेला हूँ। दर्शन बाइक की इंक्वायरी करने के लिए गया है एंड ही इज़ मेकिंग श्योर द बाइक इज़ रेडी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, फटाफट मेरे को यहाँ से रीपैक करना है यहाँ की सारी चीज़ें एंड देन वील हैव टू लीव फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। वॉट वुड बी द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, स्टे ट्यून्ड गाइस। वेटिंग फॉर दर्शन टू कम एंड गिव मी अपडेट्स ऑन द बाइक। उसके अलावा ब्रेकफास्ट आने वाला है, हमारा कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट करेंगे और जल्दी निकलेंगे गाइस, स्टे ट्यून्ड। गर्मा गर्म पराठे भी आ गए, नाश्ता भी कर रहा हूँ, दर्शन भी आ गया। बाइक वाला क्या बोला वो? अच्छा उसने बोला है वापस से, तो शायद हमको वापस से वो बाइक वाले के पास जाना पड़ेगा। फिलहाल गोभी का पराठा खा लेता हूँ। सुरेश भैया आ जाओ, आपका एक नंबर गलत था शायद, 11 नंबर दिए थे आपने कल रात को। 11 नंबर दिए? हाँ रेडी करे। आप पता नहीं कब आओगे। नहीं मैं कल आपको बहुत बार कॉल किया, फिर एक बंदे को भी भेजा था मैंने, तो ये बंद हो गया था। आप यहाँ पे नहीं रहते हो ना? नहीं मैं यहाँ नहीं रहता। तू ही ले ले, तू ही ज्यादा चलाएगा तो चलाऊंगा मैं भी वैसे। ब्रेक वेक देख लेना, ब्रेक और हॉर्न दो मेन चीज। वो तो है बोलो। गाइस टेस्ट ड्राइव दर्शन ने भी ले ली है, मैंने भी ले ली है, लेकिन कोई रीजन की वजह से दर्शन का एटीएम काम नहीं कर रहा है, तो मेरा एटीएम से यूज करके कैश पे करना है हम लोग को। बट या ओवरऑल इट फील्स नाइस। वो भैया ने हमको और एक ऑप्शन दिया है कि हम हमारी बड़ी वाली बैग उनके पास रख सकते हैं अगर उसमें कोई इम्पोर्टेंट सामान नहीं है तो सोचते हैं उस बारे में एंड विल लेट यू नो। फिलहाल के लिए आई एम एंजॉयिंग द राइड। सो गाइस वापस से होटल पहुँचे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड एंड मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है निकलने के लिए, तो देखते हैं फटाफट पैकिंग करते और बैग लेके निकलते हैं। हमारे बड़े बैग में सिर्फ कपड़े हैं, ज़्यादा कुछ सामान है नहीं, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो हम यहीं पे छोड़ देंगे। वो भैया का खुद का घर था तो उन्होंने हमको ऑफ़र किया कि यार यहीं पे छोड़ दो और जो वैल्यूएबल्स है वो हम। भाई तू ऊपर जा रहा क्या, टेरेस पे जा रहा क्या? इतनी खुशी इतनी खुशी तो बस हम बैग उन्हीं के घर पे छोड़ने वाले हैं और हम निकलेंगे यार। आई वॉज ईगली वेटिंग फॉर दिस, कहाँ जाने वाले हैं? आई विल लेट यू नो सून। सीधे सीधे बोलना, ओआरएस बना रहा करके। ओआरएस इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली हम हाई अल्टीट्यूड पे जाने वाले हैं तो ऑक्सीजन बहुत कम रहने वाला है, तो ये हमको ड्राई डिहाइड्रेट होने से बचाएगा। इसी के लिए हम ओआरएस एक तो पी के भी जाएंगे और लेके भी जाएंगे
ताकि सामने कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ क्या बोल रहे? सो फाइनली द अल्टीमेट जुगाड़ इज डन। नाउ वी विल लीव। चले स्मार्ट दिख रहा है वैसे तू भी। हाँ स्मार्ट दिख रहा है वैसे क्योंकि मैं जा रहा हूँ। इसकी ले लिया लेकिन चटी रह गई है। नहीं भाई चटी वटी नहीं रह गई है। लॉक और चाबी यहीं पे रखना है ना। हो गया चले सब कुछ ले लिया। छोटा तो नहीं नीचे रखे हैं। सेफ्टी फर्स्ट गाइस, हेलमेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द ट्रिप। भला ही मैं ये बैग नहीं लेके जा रहा हूँ, ये वाला जो बैग आपको दिख रहा है ये नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन हेलमेट लेके जा रहा हूँ। आपकी बात बेसमेंट में मत चल जाना। चलो भैया जी चलो अंकल जी वी आर डन। यस चलो थैंक यू भैया थैंक यू फॉर द सर्विस। चलो भैया थैंक यू सो मच रूम दिखाने के लिए। थैंक यू। मैं क्या बोल रहा हूँ पैदल जाता तू आ जा उनके यहाँ पे बैग रखते हैं फिर वी विल लीव। गाइस लेट्स गो। चल ले हाँ मैं आ रहा। आई विल कैच यू। जा रहे भाई सोनिया जी। अच्छा चलो आप ही हो। हाँ हाँ भी कर लिया। हाँ मैं रख दूँ यहाँ पे। चलो थैंक यू सो मच विल सी यू सून। थैंक यू। अभी वो बैकपैक मेरे को दे दे एक मिनट रुका। मोबाइल रखा है मैंने पीछे हिला मत तू गाड़ी। हेलमेट पहनने दे पहले। तो अपने को भरा के मतलब टैंक फुल करा के 5 लीटर भी भराना है और पेट्रोल पंप पे तो कार्ड चलेगा ना। गाइज इफ यू आर वॉचिंग दिस पेट्रोल पंप पे या फिर यहाँ पे यूजुअली कार्ड्स वगैरह बहुत कम चलते हैं। सो वी आर नॉट श्योर अगर कार्ड्स वगैरह चलने वाले नहीं चलने वाले। सो इसलिए प्री प्लान करके जाना बहुत अच्छी बात होती है। तो वही चेक कर रहे अभी पेट्रोल पंप कहाँ पे है और पेट्रोल पंप पे जाने के बाद पता चलेगा कि हमको वापस से एटीएम जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट गो एंड एक्सप्लोर गाइस। चलो भाई अरे अम्मा कसम। हाँ फाइनली वी आर ऑफ टू पेट्रोल पंप फॉर नाउ। दर्शन से हाय। हाय। तो देखते हैं यार होप कि ये रास्ता इजीली कट जाए। मौसम अच्छा है थोड़ी सी धूप आके है तो इसके वजह से बारिश की संभावनाएं कम है लेकिन यू नेवर नो कल सामान क्या हो जाए। बारिश कभी भी आ सकती है। यहाँ से राइट है भाई। बस ज़्यादा मत भरिए ठीक है ठीक।
क्या बोल रहे हो रूट हैज बीन कितना टाइम बता रहा है देखना उसको ऊपर कर बाइक से घंटा बाइक से 3 hours 41 minutes बैठो So finally, we are off the road. यार हमने सोचा कि सीधा ऊपर जाके रुकेंगे ऊपर मतलब रोहतांग पास क्योंकि वी जस्ट वांट टू एंजॉय द रोड क्योंकि कल हम कार से गए थे लेकिन बाइक का मज़ा ही कुछ और है यार एंड आई एम हैप्पी कि यार हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है टूरिज्म की तरफ इतना ध्यान दे रहा है और जो रास्ते बनाना या फिर जो रास्तों पर पहुँचना मुश्किल था वो रास्ते ये लोग बना रहे सो आई रियली अप्रिशिएट देम एंड ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है यार तो मज़ा तो आ ही रहा है अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम जस्ट एंजॉइंग दिस राइड आई एम प्रीटी मच श्योर दर्शन भी एंजॉय कर रहा होगा कर रहा है कि नहीं ही सेड यस
सो गाइज हम रुक गए माड़ी में, जहाँ पे एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे कल हम रुके थे. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग था. लेकिन आज आए हैं हम अपनी बाइक से और अपने दोस्त के साथ और अपने जन्मदिन पे. भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? भाई को हैप्पी बर्थडे. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. भाई का बर्थडे गाड़ी पे बना रहे हैं. भाई को उड़ने का शौक है तो भाई को उड़ा देंगे. वो देखो उड़ रहे हैं भाई. 100-500 रुपए याद आया भाई? 500 रुपए ले ले, लैंड करा दे, करा दे. वो चालू है इधर, लोग उड़ रहे हैं. तो देखेंगे भाई को भी 100-500 रुपए खर्च करने की इच्छा होंगी एक्स्ट्रा की. मतलब 2,500 रुपए इसकी फीस है और एक्स्ट्रा के 100-500 लैंड कराने के. भाई लैंड करा दे यार. सुनना कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? अरे एक नंबर मजा है. पहली बार तेरा एक्सपीरियंस है ना ऑफ रोडिंग? पहली बार ही नहीं रहेगा. हाँ पहली बार ही तो रहेगा. पहली बार आए तो पहली बार रहेगा. हाँ यार वो भी है. हाँ चलो गाइस, तो थोड़ा बहुत रेस्ट लेते हैं, हमारे पुट्ठे को ज़रा हम आराम देते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से. इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली सीधा रोहतांग पास ही रुकेंगे. हाँ चलो गाइस सी यार. पहुंच गए अपन रोहतांग पास. यहाँ पे कल ज़्यादा देर वक्त नहीं बिता पाए, लेकिन मेक श्योर आज थोड़ा सा वक्त बिता हूँ. जो भी चीज़ें मुझे कल करनी चाहिए थी वो आज मैं करूँगा यहाँ पे. सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड आई एम गोना एंजॉय दिस रोहतांग पास हियर. So guys, I'm finally done with the shot. I hope you liked it. It's almost 2 PM. 2 बज रहे अभी के. अभी तक के हमने लंच नहीं किया, लेकिन हमको भूख भी नहीं लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट करके हम निकले थे. द स्पॉट वी वेंट टू इज दैट नियर रोहतांग पास. यहाँ से हम निकलेंगे अभी केलोंग के लिए. आई एम नॉट श्योर दर्शन गाड़ी चला पाएगा कि नहीं. मुझे चलाने के लिए मज़ा आ रहा है, सो आई एम राइडिंग इट. सो guys stay tuned, it's gonna be exciting. I'm loving it. Darshan bichara chalta ban raha hai, usko wo bol raha hai bhai jaldi chal, bhai jaldi chal. Uske naak se pani beh raha hai bichare ke aur haath sunnu pad gaye uske gloves pehnne ke bawajood bhi. Darshan chale bol to khate khate jana hai seedhe nikal. तू बता तेरे को भूख लगे तो चलते. खाते खाते गए तो कैसा एनर्जी बनी रहेगी. हाँ ठीक है, वो वाले पॉइंट पे जाके फोटो खिंचाएंगे हिमालयन के साथ. हिमालयन के साथ ब्रो, हिमालयन के साथ. सो दर्शन का बोलना है कि खाते खाते फोटो खिंचाते जाएंगे, विच इज़ व्हाट वी आर डूइंग. इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग, लेकिन पहले कुछ खाने चलते हैं गाइस. मैगी गर्मा गर्म वही है साले.